हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहे हैं स्मॉल टेक चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप बाहर से कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। आप लोगों को शायद एक बात मालूम होगा, एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आपको बैंक में जाके कितना लाइन लगाना पड़ता है। मान के चलो आप अपना बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पासबुक लेकर बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में जाकर बहुत सारे लाइन लगाना पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं जो आप कैसे अपने मोबाइल की मदद से घर बैठे अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारा फीचर्स है इस एप्लीकेशन में, तो चलिए हम उसके बारे में आज डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को बंगाली में अपलोड करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप सिंपली यहां से सर्च करेंगे PBGBM बैंकिंग। फिर सर्च करने के बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप उसको अलाउ कर देंगे। तो चलिए हम उसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आप सिंपली यहां से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर को यहां पर फिल कर देंगे जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं अपना OTP को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा और आपका अकाउंट में जो नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप सिंपली इसको ओके करेंगे। तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ से एक 4 डिजिट का पासवर्ड मांगा जाएगा, आप अपना हिसाब से एक 4 डिजिट का पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना हिसाब से एक 4 डिजिट का पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप सिंपली इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं अपना OTP को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप सिंपली इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अकाउंट का बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर को यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे माई अकाउंट, यहाँ से आप अपना अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस। फिर आप अपना यहाँ से मिनी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, आप जितना भी लेन देन किया है वह यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरा कोई लेन देन नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई लेन देन शो नहीं कर रहा है। आप इस दूसरा वाला ऑप्शन को देख सकते हैं बैंकिंग, आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, माय अकाउंट, ओवन अकाउंट ट्रांसफ़र, थर्ड पार्टी क्विकर ट्रांसफ़र। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, IMPS, NEFT और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बारे में मैं आपको एक दूसरा वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ आप लोगों को ये बताया है आप इस एप्लीकेशन को कैसे लॉग इन कर सकते हैं। दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं। अगर एक ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक दूसरा वीडियो बना के उसमें पूरा सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन को कैसे लॉग इन करना है वो बताया है। आगे आप लोगों को बताऊँगा इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना। अगर आपका मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।